जी मैम सर। ऐसा करो मशीन में मेरे सारे कपड़े धो लो, उस दिन जैसे बताया था याद है ना? जी मैम सर। संगीता, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ सिमरन, मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। क्यों, क्या हुआ? तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? अपनी बालकनी में तो देखो जरा। हाँ सिमरन, वो तो मैं देख लूंगी, लेकिन ये तो बता पहले कि व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो सब मुझसे? कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। इसलिए तो बोल रही हूँ, बालकनी में जाके देख। ठीक है, देखती हूँ। तभी ये सब मेरा मजाक उड़ा रही थी, इनको तो बस मौका चाहिए बातें बनाने का। ये राजू बिना नहीं सब गड़बड़ करता रहता है। इसको तो बस कपड़े धोने के लिए बोला था और धोने की क्या जरूरत थी? राजू राजू, तुम्हें कितनी बार कहा है मेरे कुछ कपड़ों को हाथ मत लगाया करो। मैम साहब, अपने कहा सारे कपड़े धो दो, मैंने सारे कपड़े धो दिया, सूखा भी दिया। अच्छा किया ना मैम साहब, पूरी सोसाइटी में मेरा मजाक बना के रख दिया है। आग लगा दो घर को, दफा हो जाओ यहाँ से। मैम साहब, अब क्या है? कुछ पैसे चाहिए। पैसे किस लिए चाहिए तुम्हें? मैम साहब, घर में केरोसिन नहीं है, इसलिए पैसा मांग रहा। क्या केरोसिन का क्या करोगे तुम? मैम साहब, आपने तो कहा था पूरा घर को आग लगा दो, पर घर में तो केरोसिन नहीं है, पैसे कैसे आग लगाऊं? ओह माय गॉड, जान ले लो मेरी। मैम साहब, मुझे नहीं पता जान कैसे लेते हैं, पहले आप मेरे जान ले लो, फिर मैं आपका जान ले लेता हूँ। ओह माय गॉड, क्या बोलूं मैं इसका।